हेलो दोस्तों, तो अब इस वाले सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं एंट्रेंस पेपर जो है एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th। और सेशन कौन सा है ये 2020 एंड 21 का है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको एंट्रेंस पेपर बता चुका हूँ जो कि सेशन 2022 के लिए था और वो हमने सॉल्व किया है और वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड था। तो इस वाले सेशन के अंदर हम एंट्रेंस पेपर देखने वाले हैं जो कि हर स्कूल के लिए मतलब हर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के लिए जो है वैलिड है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा फायदा होगा क्लास 9th के लिए। तो इस वाले सेशन में हम देखने वाले हैं 1 से 10 तक के क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which practice will not conserve LPG in your kitchen? यानी कि इन प्रैक्टिसेस में कौन सा जो है ऐसी प्रैक्टिस है जो कंजर्व नहीं कर सकी कि एलपीजी हमारे किचन के अंदर। एलपीजी मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसपे हम खाना पकाते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो जल्दी 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 इसको खत्म कर सकती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ऑप्शन बी कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, या फिर ऑप्शन डी कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कैप्ट ऑन अ लो फ्लेम। तो इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैंने इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए इसका आंसर, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कैप्ट ऑन अ लो फ्लेम, ये जो लिखा हुआ है मैंने, फ्लेम विल टेक मोर एनर्जी एंड टाइम इन कुकिंग। यानी कि ये जो है, यानी कि हमारा अगर हम कुक करेंगे, क्या नाम है, अगर हमने बर्तन खोल करके उसको कुक कर रहे हैं, ठीक है, ओपन पैन कैप्ट में रख रहे हैं और कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा हमारे एलपीजी खर्च होगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और क्या होगा, हमारे खाना भी अच्छे तरीके से पकेगा नहीं। तो बेसिकली ये चीज होती है। अब देखिए, एज द हीट विल डिसिपेट थ्रू एवेपोरेशन, और जो हीट हमारी डिसिपेट होगी एवेपोरेशन के साथ, मतलब उड़ते हुए चली जाएगी, सो दिस विल कंज्यूम मोर एलपीजी एंड हेंस नॉट गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व। यानी कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कंजर्व करने के लिए एलपीजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कैप्ट ऑन अ लो फ्लेम, चाहे आप उसको लो फ्लेम पर ही रख लीजिए, उससे भी क्या होगा, आपकी जल्दी 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 एलपीजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन इंटर्स इन अ न्यू कंट्री इट इज कॉल्ड, यानी कि जब एक आदमी इंटर करता है एक नई कंट्री के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। याद रखिएगा, इमिग्रेशन क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो के अंदर, अब देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री जो है ओल्डेस्ट है इन द वर्ल्ड के अंदर, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए वूलन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी सिल्क इंडस्ट्री, या फिर ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती कर देते हैं, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करके आ जाते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि बोल रहा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि कौन सी ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है हमारे इनमें से इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा है, नॉट इंडिया। लोग ये इंडिया के लिए अगर देखते तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो जाता, बट जो हमारा वर्ल्ड के अंदर है कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस,
आपको ये चीज भी ध्यान देनी होगी कौन से क्यों पूछ रहा है, यानी कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 382 या फिर ऑप्शन डी 442। तो देखिए आंसर, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है हमारी एक ऐसी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड के अंदर, बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ पाई जाती है, ये चीज कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस वॉज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है 382, कितनी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड, अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, एवरेज फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज अप्रोक्सीमेटली कितनी है 15 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो 15 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, मतलब वो होगी उतनी। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, इंडिया यानी कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या होगा इसका 382, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, Which article of the Indian Constitution state that untouchability has been abolished? यानी कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का जिसमें अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड करार दी गई है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, कौन सा आर्टिकल 17। तो आप लोग बने रहिएगा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी नंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, यानी कि कितने नंबर्स आर नॉमिनेट करे जाते हैं राज्यसभा में। आपने देखा होगा राज्यसभा बनती है जो कि उसमें बैठे रहते हैं लोग, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है कितने लोग बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 20। The President nominates 12 members to the Rajya Sabha from people who have special experience in arts, literature, science and social service. जो President होता है वो क्या करता है, 12 बंदों को चुनता है, 12 members होते हैं, जिसमें वो ऐसे शख्स को लेता है, ऐसे आदमियों को लेता है जिनके पास experience होता है, एक तो science का, arts का, और वो थोड़े बहुत social service भी जानते हों उसके according। तो ऐसे जो है कितने बंदों को president लेता है, 12 members को। तो option जो है हमारा A correct हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना 12 members को राज्यसभा from people who have special experience, जिनके पास स्पेशल एक्सपीरियंस होता है आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का एंड सोशल सर्विस का, उनको चूज कर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज हैरेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज कम्स अंडर। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के बहुत लड़कियों को छेड़ते हैं रास्ते में, कहीं पर गए उन्हें छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कौन से उसमें आता है हमारा, अगर हम क्राइम की बात करें तो ऑप्शन ए सिविल लॉ में आता है, ऑप्शन बी इकोनॉमिकल लॉ में आता है, ऑप्शन डी क्रिमिनल लॉ में आता है या फिर डी सोशल लॉ में आता है। क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ द लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है इज बॉडी ऑफ द लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम से रिलेट है, मतलब क्राइम।
इट रेगुलेट्स सोशल कंडक्ट एंड प्रोस्क्राइब व्हाट एवर इज थ्रेटनिंग हार्मफुल और अदरवाइज इंडेंजरिंग द प्रॉपर्टी हेल्थ एंड मोरल वेलफेयर ऑफ प्यूपल्स इट इंक्लूड्स द पनिशमेंट ऑफ प्यूपल्स हु वायलेट दीज लॉज मतलब कोई शख्स अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स को छेड़ रहा है तो वो हमारा आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसे लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाती है और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि उनको जल्दी छोड़ा जाए ठीक है तो ये हमारा एक तरीके से हैरेस्ट कहलाता है तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रिमिनल लॉ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो के अंदर अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मींस क्वेश्चन नंबर 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद आ यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होती है विद ए ऑप्शन ए सजेशन ऑप्शन बी अमेंडमेंट ऑप्शन सी प्रपोजल या ऑप्शन डी प्रीएबल तो इनमें से कौन सी है द देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है द प्रीएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा प्रीएबल समझ में आ गया होपफुली इसे पढ़ करके आप लोग समझ गए होंगे क्या कहने की कोशिश की गई है ठीक है एक बार मैं फिर भी बता देता हूं आपको द प्रीएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिगिन होता है विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जो है पीपल है इंडिया के आदमी है इंडिया के ठीक है सिग्निफाइज दैट सिग्निफाई क्या करता है पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ पीपल यानी कि ये क्या शो करने की कोशिश करता है कि जो पावर है हमारे हाथों में है हैंड्स इन द पीपल्स ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज गिवन बाय द पीपल देमसेल्व्स तो होपफुली आपको जो है आंसर समझ में आ गया होगा कहने की क्या कोशिश की गई है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ यानी कि जो इंटरनेशनल डिमांड थी इंडिगो की वॉज अफेक्टेड बाय डिस्कवरी ऑफ किससे हुई थी सिंथेटिक डाइज से तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या है क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड एट जो राष्ट्रपति भवन है हमारा सिचुएटेड है कहां पर ऑप्शन ए अरावली हिल ऑप्शन बी रायसीना हिल ऑप्शन सी शिवालिक हिल या ऑप्शन डी एफडी अबू तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा रायसीना हिल तो इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी और ठीक नहीं है तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जब तक के लिए थैंक यू सो मच और ये आप खुद ट्राई करिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिसकी वजह से क्या है मैं आपको उसका आंसर आसानी से दे सकता हूं ठीक है तो आप लोग कोशिश करिए खुद ट्राई करने की उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो थैंक यू सो मच